बिजनौर के नजीबाबाद से सपा विधायक हैं हाजी तस्लीम अहमद। दल बदल कर सत्ता की मलाई खाने का इनका पुराना इतिहास है और विवादों में रहने के तो ये शौकीन रहे हैं। मुलायम सिंह यादव तक का मजाक उड़ा चुके हैं, जनता का माल मार के नेता बनने का तरीका बता चुके हैं और अब तो अवैध काम के लिए योगी सरकार को धमकाने की बात कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या विधायक जी अवैध काम करवाएंगे? योगी को धमकाएंगे सपा विधायक तस्लीम, जबरदस्ती अवैध भूचड़ खाने खुलवाएंगे तस्लीम अहमद। मुलायम सिंह के मजे लेने में वाहवाही लूटते हैं, नेताजी को ब्लैकमेल करने में अपनी पीठ ठोकते हैं, कभी जनता का माल मारने को नेतागिरी बताते हैं, नुस्खे बताते हैं नेता बनने के। और अब जब सरकार चली गई तो अवैध काम करा के ऊपर तक धमकाने की बात करते हैं। बात कर रहे हैं बिजनौर के नजीबाबाद से सपा विधायक तस्लीम अहमद की। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अवैध भूचड़खानों पर रोक लगाई हुई है। इस पर तस्लीम अहमद खुले मन से इलाके में मीट चालू करने की मुनादी कर रहे हैं। कह रहे हैं नीचे जो दिक्कत होगी वो तुम देखना और ऊपर स्तर से धमकाने का काम मैं करूंगा। मैंने शहर के लिए इसलिए कुर्बानी दी थी हाजी तस्लीम अहमद की, जो घोष बंद है ये और मामला आएंगे वो ना आए, नीचे शहर ये देखें और ऊपर मैं देखूंगा, अगर कोई बात आए तो धमकाने का काम मैं करा करूंगा। इससे पहले ये नेतागिरी के नुस्खे भी बता चुके हैं और नेता बनने का रास्ता भी। नेता की परिभाषा में जब तक 150 लोगों का माल न मारे, 150 लोगों के जमीनों पर कब्जे न करे और सताए ना, तब वो नेता नहीं बनता, परिपक्व नेता पक्का। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव को ब्लैकमेल करने की, उनका मजाक उड़ाने की बात तक बता चुके हैं। मुलायम सिंह जी ने खुद मोबाइल को उठा लिया टेलीफोन उसे करने के लिए, इतने जोश में आ गए कसम से भाई, और उसे जो है इंस्टीट्यूट को सस्पेंड सस्पेंड से आगे और क्या हो सकता है, वो भी कर दे, वो भी कर दे, अभी कर दे। और ऐसे जो है भाई हम करा के उठे और ADGP वर्धमान सिंह थे, उसको ऑर्डर करा के तुम इसी ट्रेन से जाओ आज और किसी जाट से मत मिलना, वहां 3 दिन ना पूरी जांच करके आओ, मैं इसको खत्म करूंगा। हमने पूरा मजा लिया उसका, कोई नहीं करा पाया, हमने इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया। इनका दल बदल का भी पुराना इतिहास रहा है। हाजी तस्लीम अहमद साल 2012 में बसपा की टिकट पर पहली बार विधायक बने थे, लेकिन पार्टी बदल कर सपा सरकार में सत्ता सुख होगा। अब जब सत्ता में नहीं है तो सत्ताधारियों को धमकाने की बात करते हैं, वो भी अवैध काम के लिए। बिजनौर समाचार प्लस के लिए अर्शद जैदी की रिपोर्ट।